नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। वित्त मंत्री ने सोमवार को स्वास्थ्य और पर्यटन के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी कई योजनाओं को लेकर ऐलान किए। कोरोना में हुए आर्थिक नुकसान से उबरने के लिए कोविड लोन गारंटी स्कीम के तहत 1,10,000 करोड़ रूपए का आवंटन केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना प्रभावित क्षेत्रों के लिए किया गया है, जिसमें विशेष तौर पर 50,000 करोड़ का प्रावधान 3 साल की गारंटी के साथ छोटे शहरों की चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर करने के उद्देश्य से किया गया है। इसके अलावा 60,000 करोड़ का प्रावधान कोरोना से प्रभावित अन्य क्षेत्रों की जरूरत के हिसाब से किया गया है। सरकार ने 23,220 करोड़ आवंटन किया है, जिसका उपयोग विशेष रूप से बच्चों के इलाज से जुड़ी चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत योजना को विस्तार देते हुए बजट को 3 लाख करोड़ से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। इसी के साथ छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा देने के लिए 25 लाख उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा। तो 10,700 मान्यता प्राप्त गाइड और पर्यटन से जुड़े छोटे बड़े स्वास्थ्य सुधार की और केंद्र सरकार बड़े आर्थिक सुधार की और भारत सरकार चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया। तीसरी लहर से लड़ने के लिए केंद्र सरकार की तैयारी।